इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हरप्रीत कौर, पंजाब से इन्होंने हमें कॉल किया है। स्वागत है कार्यक्रम में आपका, बताइए आपके साथ किस तरह की परेशानी है। हरप्रीत जी बताएं। हेलो जी बताएं। नमस्कार जी बताएं, सवाल पूछें। मैम हमने ये पूछना था कि जैतून का तेल है या जैतून का सिरका, जो सर ने सुबह बताया था जी बीपी के लिए, डायबिटीज के लिए। जी जैतून का सिरका है या तेल है? हाँ सिरका, वेनेगर, ये जिनको डायबिटीज है या पेट की समस्या है या लीवर में प्रॉब्लम है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है या हार्ट की प्रॉब्लम है, ये सब लोग ले सकते हैं। दिन में एक या दो बार छोटे चाय के चम्मच, टीस्पून जिन्हें कहते हैं, पानी में मिला कर लें। ज़रा तेज़ होता है तो एक गिलास पानी में तीन छोटे चाय के चम्मच मिला के एक या दो बार लेने से डायबिटीज भी कंट्रोल होना मुमकिन है। और इसी के साथ इंदौर से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, वर्मा जी ने हमें कॉल किया है। वर्मा जी पूछिए अपना सवाल। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार जी। हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वाले सलाम। मेरे से पूछा था कि तो जो सफिस्तान और ये उन्दाज है, इनको ऐसे ही पीसना है कि ये बोर सरीके हैं? ठीक है। हाँ देखिए, उन्नाव की मैं बहुत बारीक सी गुठली होती है। उन्नाव तो एक बेर है, जो ईरानी बेर को उन्नाव कहते हैं, जो सुर्ख रंग का होता है, उसमें बारीक सी गुठली होती है, वो निकाल दें और इसको सपिस्तान को भी पीसिए, उन्नाव को भी पीसिए और अलसी को भी पीसिए और इसमें 30 ग्राम पीपलें जो लंबी वाली होती है ना हमारे किचन के गरम मसालों में, इनको 30 ग्राम मिलाकर और ये सब 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बनाएं और आराम से इस्तेमाल करें, आपको फायदा मुमकिन है। एक और दर्शक हैं, सुमन जी ने हमें कॉल किया है। सुमन जी अपना सवाल कर सकती हैं आप। हाँ हमको पेट में हमारे दर्द बना रहता है जी। हाँ कब से है सुमन जी आपको दर्द और क्या डॉक्टर कहते हैं? डॉक्टर तो बोलते हैं कि गैस बनती, मतलब गैस बताते। ठीक है, गैस, कब्ज, एसिडिटी, अपच, खाना हजम ना होना, कब्ज, बवासीर, लीवर का प्रॉब्लम, इन सब के लिए एक बड़ा कामयाब नुस्खा मैं आपको देता हूँ। लिख लें तो ये नुस्खा आपका हुआ, नहीं लिखा तो गलती भी लग सकती है। देखिए सभी महिलाएं जानती हैं कि मेथी का दाना हर किचन में ही होता है अक्सर, ये 500 ग्राम लें और इसको पाउडर बनाएं अपने घर पे। पिसा पिसा लाना ठीक नहीं है, मिलावट बहुत होती है। 500 ग्राम मेथी और एक नमक आता है जिसे जैतून का नमक कहते हैं हम लोग अपनी ज़बान में, जैतून का नमक, और हिंदी में जैतून का रसायन और इंग्लिश में एस्टेक जैतून। ये देखने में बिल्कुल नमक जैसा लेकिन नमकीन नहीं होता, इसमें 100 या 150 ग्राम मिला दीजिए और इसको पाउडर को आधा आधा चम्मच, छोटा चाय का चम्मच, दो या तीन बार खाइए, खाने से पहले या बाद में, आप देखेंगे कि आप बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे। और देखिए इसको पूरा ख़त्म कर लेना, अक्सर हम फ़ायदा होने के बाद छोड़ देते हैं दवा को, ये ख़त्म कर लिया तो ये बीमारी दोबारा उत्पन्न नहीं होती। और चलिए उत्तर प्रदेश से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, काशी राम जी ने हमें कॉल किया है। काशी राम जी क्या प्रश्न है आपका? हेलो, सवाल कीजिए। हकीम साहब से बात कर रहा था। जी 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 बताइए काशी राम जी। कितना बाल उड़ रहा है पूरा जी, जी कितनी उम्र है काशी राम जी? 31 साल उम्र है, आगे आगे से बाल उड़ रहा है। नजला तो नहीं रहता आपको? नजला रहता है, जुकाम जी। ठीक है, देखिए नजले की वजह से, इन्फेक्शन बुखार की वजह से अगर बाल उड़ते हैं तो हमें नज़ले का ही इलाज करना है। ये नज़ला बड़ा जालिम चीज़ है, जिसको ज़्यादा दिन रहता है उसके बालों पर, उसकी आँखों पर,
उसके दांतों पर या उसके कानों पर असर छोड़ के जाता है। कोई कम सुनने लगता है, किसी के बाल गिरने लगते हैं, किसी के दांत कमज़ोर हो जाते हैं, तो उसका इलाज करिए। उसके इलाज के लिए एक घरेलू नुस्खा बताता हूँ, एक दवा भी बताता हूँ। लिसोड़ा उन्नाव अलसी 100-100 ग्राम लें और इसमें 30 ग्राम अपने किचन से पीपलें मिलाकर पाउडर बनाएं और एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम खाएं, 5-6 महीने खाएं तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। अगर आप दवा के तौर पर लेना चाहते हैं तो माजून आर केयर सुबह शाम खाली पेट और रात को सोते समय गर्म पानी से लिया करें, और 5 बार गर्म पानी पीना आपके लिए बल्कि हर आदमी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मैं भी पीता हूँ और बाल आपके सलामत रह सकते हैं अगर आप ये अमल करते हैं। और चलिए इसी के साथ मीना जी हरियाणा से जुड़ गई हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। जी मीना जी, प्रश्न कीजिए। हाँ जी सर, मैंने ऑर्डर जो कल किए थे ना, तो मेरा दवाई पहुँच गया। आपकी दवा पहुँच गई है? हाँ जी। कैप्सूल है 60। आपकी समस्या क्या है, कौन सी दवा मंगवाई है आपने? ओ काला गोंद जी। और क्या जानना चाहती हैं अब आप? ओके हाँ, मेरे घुटने में बहुत दर्द रहता है जी। ठीक है मीना जी, ये काला गोंद पाउडर बना लीजिए, पहले कूटिए फिर इसे ग्राइंडर में पाउडर बना लीजिए और एक चुटकी या दो चुटकी सुबह और शाम खाने के बाद बगैर चर्बी के दूध से, पानी से या जूस से आप लेना शुरू करें। 5-7 दिन सब्र करना। ये ओरिजिनल रॉ मटेरियल है और ये जो 100-200 ग्राम आपने लिया है, ये अपने ख़त्म होने से पहले आपकी बीमारी को ख़त्म करने की ताकत रखता है। इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर सतीश जी ने हमें कॉल किया है। सतीश जी, क्या सवाल है आपका? जी पहले तो मैं प्रणाम आदाब करता हूँ डॉक्टर साहब को, सुलेमान साहब को आदाब। जी बताइए सुलेमान साहब, मैं मेरी एक महीने से ट्राई कर रहा हूँ तो आपको पहली बार लगा फोन। अच्छा अच्छा, बताइए क्या सवाल है, कहीं कट ना जाए, पहले आप अपना सवाल बता दीजिए। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ जो सोराइसिस होता है, जो चट्ठा चट्ठा जो दाग आते हैं शरीर में, खुजली होती है बहुत। ठीक है, कब से है? इसके लिए मुझे बताइए कब से है और किस मर्ज, इस ये मर्ज किस आयु के आदमी को है? आदमी को भी है। मैं सुलेमान खान साहब, मैं डॉक्टर हूँ, मैं आपके यहाँ से दवाइयाँ मंगाता हूँ। अच्छा, आप डॉक्टर हैं? भाई वाह, ठीक है डॉक्टर साहब। देखिए कैप्सूल पी केयर, पी फोर पटना, ये एक ऐसी रिसर्च है कि जिससे मुझे बहुत खुशी होती है कि ये सोराइसिस का दुश्मन है, बवासीर का दुश्मन है कैप्सूल पी केयर, और स्किन प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, किडनी की प्रॉब्लम जिसमें क्रिएटिनिन बढ़ जाता है यानी गंदगी बढ़ जाती है और हमें डायलिसिस कराना पड़ता है, ये उसको भी अच्छा करता है और लीवर के लिए बहुत अच्छा है। हमारे जिस्म में जो चीज़ें कम या ज़्यादा होती हैं जिनकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं, उनको ज़रूरत के मुताबिक करता है। तो कैप्सूल पी केयर आप 2 टाइम लिया करें खाने के बाद, आप देखेंगे। देखिए इसमें टाइम लगता है, किसी को 2-3 महीने लगते हैं, किसी को 7-8 महीने भी लग जाते हैं, लेकिन पहले महीने में असर ज़रूर होने लगता है। सोराइसिस वाला मरीज़ को चाहिए कि नाखून से सोराइसिस को ना खुजाएं, जब खुजली हो तो सहला लें, और जब ये काम करने लगता है तो उन्हें सुखा देता है सोराइसिस के दानों को, और उस पर तेल लगा लिया करें, उन्हें अपने आप गिरने दें। खुरंड को नाखून से नोच कर ना, यानी नाखून से ना नोचें, तो आपका ठीक होना मुमकिन है।
एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो, हेलो, नमस्कार जी, नाम बताएं, कहां से बोल रहे हैं और समस्या बताएं। नमस्कार जी, नमस्कार जी, आदाब। हम आपको बहुत साफ तरीके से नहीं सुन पा रहे हैं, एक बार फिर से बताइए। हाँ, नाम अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सारा जी, सवाल क्या है आपका? सवाल है, हाथ पांव दुखते हैं। ठीक है, हाथ पांव दुखते हैं जितना मैं समझ पाई। हाँ, गौर से सुनिए जनाब, आपकी आवाज में बड़ा डिस्टर्ब है। मेरी आवाज अगर आपको साफ आ रही तो समझ लीजिए कि एक गोंद है जिसे काला गोंद कहते हैं और गोंद स्याह हम लोग कहते हैं। गोंद स्याह, स्याह माने काला है। गोंद स्याह एक ऐसे रॉ मटेरियल है कि अगर असली कहीं मिल जाए तो आधा आधा ग्राम सुबह शाम खाने के बाद खाने से किसी भी किस्म के हाथ पैर का जोड़ का दर्द, नसों का दर्द, बोंढे का दर्द, कमर का दर्द ख़त्म होना मुमकिन है। लेकिन सब्र वालों के लिए 5-7 दिन बाद फ़ायदा शुरू करता है, और ये 100 ग्राम भी मिल जाए तो अपने ख़त्म होने से पहले रोग मुक्त करने की सलाहियत रखता है। ये असली मिलना चाहिए, नकली बहुत मिलता है, बहुत कड़वा होता है। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी कामयाब रॉ मटेरियल कभी नहीं देखा। और दर्शक हैं सीतापुर से, हमें कॉल किया है गौरव जी ने। गौरव जी, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल कर सकते हैं आप। नमस्ते सर। हाँ, मुझे क्या खांसी काफ़ी रहती है, काफ़ी लंबे समय से रहती है जी, और ना थोड़ा बहुत ही बलगम आता है, ना मतलब सूखी भी नहीं है, हल्का बलगम है और लंबा समय हो गया है। मैं टीवी भी चेक करवा चुका हूँ, कुछ नहीं है इन्फेक्शन, कुछ डॉक्टर एलोपैथिक में बताया इन्फेक्शन है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं बताया जी। एज बता दीजिए गौरव साहब, आप अपनी एज बताइए। 36। अच्छा, देखिए गौरव साहब बहुत समझदार हैं आप, आपने टीवी का भी टेस्ट करा लिया और यही होना चाहिए। अगर 15 दिन से ज़्यादा कफ खांसी हो तो टीबी का टेस्ट करा लेना चाहिए और बहुत आसानी से आप अच्छे हो सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको घरेलू नुस्खा बताता हूँ और आप कहेंगे तो दवा भी बता देता हूँ, जो आपको आसानी से मिले वो लें, असली दवाइयाँ खरीदें। देखिए, लिसोड़ा सब लोग जानते हैं, लिसोड़ा क्या है, नहीं तो आप लिख लीजिए, लिसोड़ा 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम, उन्नाप 100 ग्राम, ये आप इन 100-100 ग्राम लेके इसमें अपने किचन से 30 ग्राम पीप लें, मिलाकर पाउडर बनाएं और एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम गर्म पानी के साथ लें और एक दिन में 5 बार गर्म पानी पिए, आप देखेंगे कि आप देखते देखते आपकी खांसी आपसे रुखसत हो गई। आइए, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं, जानते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो, हेलो, नमस्कार जी, नाम बताएं। जी, उमेश बात कर रहा हूँ मैं। उमेश जी, बताइए क्या समस्या है आपके साथ? मैंने ना दवाई मंगाई थी जी, जी बिल्कुल ना आधे आराम हुआ है अभी तक जी, 1 महीना हो गया मुझे खाते हुए जी। दवाई का नाम एक बार फिर बताएंगे। एस्केर मंगाई थी जी। उमेश जी, उमेश जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 20 साल है, परेशानी मुझे 4 साल से थी। ठीक है, आधा आराम तो हो गया, मैं मतलब ये तो है आधा आराम हो गया है। अच्छा, आप ये बताइए, आप ये शिकायत कर रहे हैं? नहीं, पूछ रहा था कि कितना लंबा चलेगा अभी। अरे देखिए, 4 साल से आप दवाएं खा रहे थे उमेश जी, और यूनानी ने आधा फायदा 1 महीने में कर दिया, तो आपको शिकायत नहीं होनी चाहिए, आपको खुश होकर बात करनी चाहिए। तो देखिए, अगर आधा फायदा हो गया है, अगर पूरा फायदा भी हो जाए ना 2 महीने में, आपका रिजल्ट ऐसा आएगा कि आधा फायदा 1 महीने में, आधा फायदा 1 महीने में, तो पूरा हो जाए तब भी 2-3 महीने दवा और खाना। आप मेरी बात को अगर तवज्जो नहीं देंगे तो आपको फिर से ये दर्द आ जाएंगे।
तो जिसको भी जल्दी फायदा हो जाता है, किसी किसी पर भगवान की बड़ी कृपा होती है, उसको जल्दी फायदा हो जाता है। तो मैं सबसे बार बार कहता हूँ कि आपको दवा का कोर्स करना है 4 या 5 महीने। अब देखिए, जहाँ 4 साल से दूसरी दवाएं खा रहे थे, वहाँ 1 महीने में आधा फायदा हो गया, लेकिन इनके लहजे में शिकायत है। तो ये भी ऐसे भी लोग होते हैं कि शिकायत कर देते हैं। आधा फायदा तो हम बहुत बड़ा फ़ायदा मानते हैं, 1 महीने में 10-20% फ़ायदा होता है। तो आप खूब शुक्र वाले बनिए, भगवान का शुक्र करें, हमारे लिए भी दुआ करें और इत्मीनान रखें। आप तो अगले महीने ही ठीक हो सकते हैं, लेकिन दवा छोड़नी नहीं है, 3-4 महीने और खानी है अगर आपको पूरा फ़ायदा चाहिए।